कायजात अदा किए जाए और रमन, आज आप लोग जो है ना केमाड़ी टाउन ऑफिस के सामने धरने पे है, आप लोगों का मसाइल क्या है? हम लोग आज दूसरा रोज है जो हम एहतजाज कर रहे हैं और हमारा यही मुतालबा है कि डीएमसी केमाड़ी पर रहम करो और जो मुतासरा ठेकेदार है जिनकी पेमेंट 2 महीने से रूटीन की पेमेंट नहीं हुई है, हमारा यही मुतालबा है के ठेकेदारों को पेमेंट तो फौरी तौर पर अदा की जाए, क्योंकि हमने अपने बच्चों के लिए यही से रोजी कमाना है, हमने अपने खून पसीने के जो पैसे हैं वो यहाँ लगाए हैं, लिहाजा हम मुतासिरीनों को रमजान के बाद, रमजान छोटी ईद और अब बड़ी ईद आ रही है, लिहाजा हम बालाए हुकाम से खासकर वजीर आला सिंध से, वजीर बल्दियात नासिर शाह से, लियाकत असकानी से, अली अहमद से, आसिफ खान से, खादिर पटेल से ये अपील करते हैं कि खुदा के लिए आ जाओ, जो हम पे जुल्म हो रहा है, जो 2 महीने से हमें पैसे नहीं मिल रहे हैं उसको फौरन अदा किया जाए ताकि ठेकेदारों का माशी कत्ल नहीं हो। हमने आपके इलाके में पीपल पार्टी के इलाके में यहाँ पे काम किए हैं, लिहाजा हमें फौरन अदायगी किया जाए। हम 2 दिन से ये कर रहे हैं हड़ताल और मजीद भी करेंगे इंशाल्लाह, नहीं तो अगर हमारी बात नहीं सुनी जाएगी तो हम भूख हड़ताल भी करेंगे। कल हमारे एक साथी ने यहाँ तक बोल दिया कि हम खुदकशी करते हैं, तो ये एक आपके लिए एक बड़ी बात है कि आप लोग आए, कम से कम इसमें मुदाखलत करें और हमारे जो रूटीन की पेमेंट है वो हमें अदा की जाए। अच्छा, अजय नरमन साहब, आप इस सिलसिले में क्या कहना चाहेंगे? मेरे भाई और दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। हम 2 दिन से आज हमारा दूसरे दिन है, हम इस मामलात में डूबे हुए हैं कि पेमेंट की अदायगी हमारा नहीं हो रही, 2 महीना गुजर गया है, किसी को 1 रुपए का पेमेंट नहीं हुए, आपने अपना चेक जो है वो कैश हो रही है, अफसरान की अपना अपना कंट्रेक्टर का चेक कैश हो रही है, हम लोगों का चेक जेबों में है, हम लोगों को यानी पेमेंट नहीं हो रही है, लिहाजा हम सबसे अपील करते हैं, बड़ा बड़ा जो है हमारा MLA साहब है, हमारा MPA साहब है, मुशीर साहब है, वजरी बल्दियात साहब है, सारे वजरी आला साहब है, सबसे अपील है कि हमारी यानी मजदूरी किया हुआ कंट्रेक्टर के अहल पर रहम कर दिया जाए और हमको पेमेंट की अदायगी कर दी जाए। अच्छा, नसीर बलोच साहब,
इस सिलसिले में आप थोड़ा गाइड करेंगे, क्या मसले हैं, क्या मसाइल है? देखिए, हम इस इत्तेजाज से पहले एमसी और एडमिनिस्ट्रेटर से भी मुलाकात कर चुके हैं कि भाई हमारे मसले मसाइल हैं। दो महीने से ये बेचारे गरीब ठेकेदार जो डिस्ट्रिक्ट क्यामाड़ी के तरक्की व तामीर के लिए दिन रात करके यहाँ अपने खून पसीना के जितने कमाई थे यहाँ लगा दिए। ये यहाँ लगाने के बाद अभी ठेकेदारों को, खासकर हमारे म्यूनसिपल एमसी है और एडमिनिस्ट्रेटर हैं, जिसको चाहे 5 लाख, किसको 2 लाख, 3 लाख, ऐसा कर करके लोगों को एक हद तक बेवकूफ बना के एडवांस में चेकें दे रहे हैं और बैंक में बैलेंस भी नहीं है। तो लिहाजा इस ठेकेदारों ने यही अपने कमाई के पैसे लगाए और यही कमाई के पैसे रूटीन पर 2 महीने से 1 रुपया किसी ठेकेदार को मिला ही नहीं। तो बेचारे मजदूर हैं, उनका रमजान ईद भी ऐसा गुजरा, अब भी ऐसा गुजर रहा है। तो मेरे ख्याल में इस जैसे नायल अफसरान जो इस वक्त बैठे हुए हैं, इनको पूरी तौर पर हटाया जाए, इनके खिलाफ कमीशन, इंक्वायरी कमीशन कायम किया जाए ताकि क्यों ये ऐसा हो रहा है। अदरवाइज हम लोगों ने आज से ये फैसला भी कर चुके हैं, हमारे कमेटी और हमारे मेंबरान ने, अगर हमारे आज हमारे मसले हल नहीं हुए तो कल से हम अपना एक प्रोग्राम है कि हम प्रेस क्लब में बैठेंगे और एमसी और एडमिनिस्ट्रेटर के खिलाफ एक पिटीशन हाई कोर्ट में दायर करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा सदर साहब, आज टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में जितने भी अफिसरान हैं उनके ऑफिस के बोर्ड भी हटाए गए हैं और ऑफिस में ताले लगे हुए हैं, आप यहाँ किससे मुज़ाकरात करेंगे, क्या मसाइल आपके हल होंगे? देखिए, बात ये है कि यहाँ के अफसरान का ये हाल है कि एमसी स्पेशली यहाँ पे अपने आप को कानून से बालातर समझता है। वो मुशीर बल्दियात और मुशीर वजीर आला या किसी कानून कायदे का अपने आप को पाबंद नहीं समझता, वो किसी को खातिर में लाने के लिए तैयार नहीं है। जैसे कि उसने कह दिया, मेरी समझ में वो अंधा भी है और बहरा भी है, क्योंकि उसको 50-60 आदमी, 4 आदमी नजर आते हैं और 4 आदमी नजर आने की वजह उसकी ये है कि ये 4 का टोला है। इस 4 के टोले में एडमिनिस्ट्रेटर, एमसी, इनका अकाउंट अफसर जावेद अबड़ो और जावेद कमर, ये 4 आदमी शामिल है। इन 4 आदमियों के अलावा ना इनको कोई कानून कायदा नजर आता है, ना कोई अस्कानी साहब नजर आते हैं, ना कादिर पटेल नजर आते हैं, ये 4 आदमी इनको नजर आते हैं। और इसके अलावा इससे पहले जो एमसी था वो तो कमाल का आदमी था, वो चेकबुक अपनी जेब में रखता था, ये उससे भी ज्यादा ऊंचे कमाल का आदमी है। ये जो चेक देता है उस अकाउंट का ये चेक देता है जिसमें कोई पैसा ही नहीं होता। तो ये इतना नाअहल अफसर है, इसको इस नए डिस्ट्रिक्ट पे मुसल्लत किया गया है। लोगों की, कॉन्ट्रेक्टर की ये तवक्को थी कि ये डिस्ट्रिक्ट तरक्की करेगा, लोगों ने अपने खून पसीने की पैसे यहाँ पे लगा दिए। हाल ये है कि इनको अपना आदमी नजर आता है, उनको तो उस अकाउंट का चेक देता है जिसमें पैसे होते हैं, और जिसमें पैसे नहीं होते दरकाने के लिए ये 1000 किस्म के बहाने हैं इनके पास, ये किसी कानून कायदे को तो नहीं समझता। अब सीधा हमारा मुतालबा है कि इन अफसरों के खिलाफ इंक्वायरी की जाए कि इन्होंने किन किन लोगों को पैसे दिए और इन्होंने पैसे जो निकाले वो किस मद में निकाले। स्पेशली ये बोगस सैलरी और बोगस पेट्रोल, इस मद में ये पैसे निकालते हैं। अगर इनका ऑडिट किया जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी, सारी चीज़ें आ जाएंगी। लिहाजा इक्तदार वज़ीर आला से और जो इक्तदार लोग हैं उनसे हमारी अपील है कि वो हमारे इस जायज़ मुतालिबे को, क्योंकि ईद एक गुजर चुकी, उसे पेमेंट नहीं मिली, दूसरी ईद सर पे खड़ी है, हम खुद आए हैं इसके बाद जो रेत थी क्रैश और दूसरे लोग जो उनसे डिमांड करने वाले हैं, मजबूरन हमें उनको भी लाना पड़ेगा। उसके साथ साथ हम यहाँ टेंट भी लगाएंगे, हम यहाँ इस गेट पे टेंट लगाएंगे, हमारा एहतजाज जारी रहेगा
इस एहतजाज को हम खत्म नहीं करेंगे। इनको चाहिए कि हमारे पैसे, हमारे बकाया जात जो हमें हमारा हक दिया जाए। हम ये नहीं कहते कि हमें ज्यादा दिया जाए, जो बराबरी की बुनियाद पे परसेंटेज के हिसाब से जो भी पैसे हैं, मगर फिर भी मैं आज दोबारा भी बात दोहराऊंगा कि जो बोगस सैलरी में पैसे निकलते हैं वो ख़त्म किया जाए। अगर वो बोगस सैलरी के पैसे ख़त्म होंगे तो सब कॉन्ट्रैक्टर को बराबरी के हिसाब से पूरे पैसे मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा चेयरमैन साहब, यूसुफ भाई, कल भी आप लोगों ने एहतजाज मुजाहरा किया, आज आप लोग एक बार फिर यहाँ धरना दे रहे हैं और मुजाहरा कर रहे हैं, तो अभी तक आपसे किसी ने कोई रब्ता किया है? इस सिलसिले में कोई पेशरफ हुई है कि नहीं हुई है? अभी तक किसी ने कोई रब्ता नहीं किया। अब ये हाल देख रहे हो, ये सामने अगर कैमरा इस तरफ जा सकता है तो ये कैमरे के हाल है। कोई अफसर नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है, एसी नहीं है, अकाउंट अफसर नहीं है, टेक्सियन इंजीनियर कोई, या खुद देख लो ये हाल है। ये तो उन लोगों को सोचना चाहिए जिसने केमाड़ी की बुनियाद रखी। इससे तो आ जाते डीएमसी भी, हम लोग तो ये सोच रहे थे कि डीएमसी केमाड़ी बनेगी, वो खुशहाली होगी, लोगों के लिए काम होंगे, और हमें क्या मालूम था ये कंडरात बन गया हम लोगों का जो जमा कुंजी थी वो इसमें गर्क हो गया। यहाँ पे कोई पुरसानी हाल नहीं है। मैं उन लोगों से अपील करता हूँ जिन्होंने दिन रात एक करके ये केमाड़ी डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी बनाई थी, वो एम एन ए कादिर पटेल साहब है, आसिफ खान भाई है, लियाकत अस्कानी है, जो भी पीपल्स पार्टी के जिम्मेदारान हैं, वो खुदा रहा वो थोड़ा सोच समझ के इन लोगों के ये जो आज हो रहा है केमाड़ी के साथ क्या हो रहा है। ये हम लोग तो परेशान और जलील हो गए, और इसके हमारे साथ साथ हमारे इलाके के लोग भी, उनके काम भी बंद हो गए, हमारे थ्रू लोगों के काम होते हैं, लेकिन यहाँ पे हाल ये है। हम लोग कल एमसी से मिले थे, वो कह रहे 1 रुपये नहीं है। मैं लिख के देने के लिए तैयार हूँ कि मेरे पास 1 रुपये नहीं है। मेरे वजीराना सिंह से, वजीर बल्लियात से ये रिक्वेस्ट है, जो जिम्मेदारान है खुदारा केमाड़ी के आवाम पे रेम करे। और हम लोग तो ये सोच रहे थे खुशहाली, मतलब केमाड़ी डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी बनेंगे, लोग खुशहाल होंगे, यहाँ तो और आजाद बन गया हमारे लिए भी और लोगों के लिए भी। मेहरबानी। आए लफसरान को, आए लफसरान को, करप्ट माफिया मुर्दाबाद, करप्ट माफिया मुर्दाबाद, करप्ट माफिया मुर्दाबाद। क्या माड़ी जिला को बचाया जाए, चेयरमैन साहब, ये आज की सूरतयाल आपके सामने है, इंतज़ामिया ने भी आपसे रब्ता नहीं किया है, और गर्मी में आप लोग जो है ना यहाँ रोड में धूप में जो है ना एहतजाजी मुजाहरे कर रहे हैं, आइंदा का लाइमल क्या है? आइंदा का लाइमल अभी इस प्रोग्राम के बाद जो कमेटी बनी हुई है वो बैठ के फैसला करेगा कि हमने आगे का लाइमल क्या क्या तैयार किया और आगे हमने कहाँ तक जाना है। सबसे पहले बात ये है कि हम हैरान इस बात पे है कि यहाँ पे वज़ीरे आला का कोऑर्डिनेटर आसिफ खान मौजूद है, लेकिन ये तमाशा भी देख रहे हैं। हम चीख भी चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, रो रहे हैं, लेकिन आसिफ खान जो है ना वो सुनने के लिए तैयार नहीं। तो आसिफ खान का ये फर्ज बनता है कि वो आए और ठेकेदारों से अपनी हाल अहवाल पूछ लें कि आप लोगों की परेशानी क्या है, ताकि आप लोगों की परेशानी को मैं आगे ले जाऊं। उसको एमसी ने बोला कि ये चार आदमी नहीं है। कह रहा है मैंने 4 आदमी को पेमेंट की हुई है। जब आपने 4 आदमी को पेमेंट की हुई है, ये बकाए लोग कहाँ से उठे? कुछ शर्म करो यार, कुछ हया करो, झूठ तो मत बोलो। हमारे लोगों के हालात पे रहम नहीं कर सकते हो तो झूठ तो मत बोलो। एक तरफ चोरी करते हो, दूसरी तरफ सिनाजोरी करते हो। हमारा मुतालबा ये है कि अभी जो है ना 2 करोड़ 80 लाख रुपए आए थे, इसका आपने हिसाब देना है।
कि आपने किस किस ठेकेदार को बांट दिए, जो आपके अजीज और रिश्तेदार ठेकेदार है आपने उसको नवाजा है। अभी ये जो ठेकेदार है ये क्या करेंगे, शाम तो नहीं है कि मट्टी का है, हमारी भी बच्चे हैं। हमारा जिला सिर्फ और सिर्फ आसिफ खान से है कि भाई वो क्यों नहीं पूछ रहा है। वो वजीर आला का कोऑर्डिनेटर है, उसका ये हक बनता है कि वो आए और ठेकेदारों के बीच में बैठ जाए, ठेकेदारों का हाल अहवाल पूछे। अभी सदर साहब ने बताया कि इंशाल्लाह अभी हमारा प्रोग्राम है प्रेस क्लब, कल या परसों हम प्रेस क्लब जाएंगे, वहाँ पे इत्तेजाज रिकॉर्ड करेंगे, उसके बाद हम कोर्ट जाएंगे, वहाँ पे पिटीशन करेंगे। आइंदा कल आया अमल हम मीडिया को बता देंगे इंशाल्लाह। कल जो है ना, कल या परसों हम लोग चैनल वालों को भी बुलाएंगे ताकि इस बात को हम चैनलों पे उठाए। जब की सीधी अंगुली से नहीं निकलती है तो फिर अंगुली को थोड़ा सा टेढ़ा करना पड़ेगा। ये हमारा आसिफ खान से गिला भी है और शिकायत भी है कि वो हमारा जो है ना कुछ नहीं सुनने के लिए तैयार है। आसिफ खान की बड़ी मेहरबानी होगी कि ठेकेदारों के हालात बेरहम करे, ये उनका फर्ज बनता है कि वो आए ठेकेदारों से बात करे। और ख़ास कर हमारे लोगों का मुतालबा है नासर हुसैन शाह साहब से कि वो आसिफ खान को पाबंद करे, कि वो हमारे साथ मुज़ाकरात करे। हम पता नहीं अब स्टेप बाय स्टेप कहाँ तक चले, कोर्ट जाएं, प्रेस क्लब जाएं, पटिशन दायर करे। अभी कमेटी फैसला करेगा इंशाल्लाह, एक दो दिन में हम रिजल्ट पे आके जाएंगे। बड़ी मेहरबानी आप लोगों की। ग्रेप माफिया, ठेकेदारों का माजी कत्ल, ठेकेदारों का माजी कत्ल, ठेकेदारों के माजी कत्ल, ग्रेप माफिया, ग्रेप माफिया, ठेकेदारों की अदायगी, ठेकेदारों की अदायगी, ठेकेदारों की अदायगी। Murdabad.